हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मूव इंटिटीज और कॉपी इंटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन की ज़रूरत होगी, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक स्केच बनाना होगा जिसे हम मूव करेंगे। तो हम रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक सिंपल सा कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मूव इंटिटीज कमांड का आइकन दिया गया है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पे क्लिक करें। मूव इंटिटीज, कॉपी इंटिटीज, रोटेट इंटिटीज, स्केल इंटिटीज और स्ट्रेच इंटिटीज। आज हम मूव इंटिटीज और कॉपी इंटिटीज के बारे में जानेंगे। तो पहले हम मूव इंटिटीज देखते हैं। इंटिटी टू मूव वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे पैरामीटर में दो टूल्स हैं, फ्रॉम या टू और दूसरा एक्स एंड वाई। पहले हम फ्रॉम ऑब्लिक टू देखते हैं। अब स्टार्ट पॉइंट वाले बॉक्स में क्लिक करें और आप स्केच में उस पॉइंट को सेलेक्ट करें जिस पॉइंट से आप स्केच को मूव करना चाहते हैं। जैसे हम इस पॉइंट से स्केच को मूव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग कीजिए माउस को। आप जहाँ भी ड्रैग करेंगे और क्लिक कीजिए तो देखिए ये मूव हो गया। वापस देखते हैं, मूव इंटिटीज सेलेक्ट कीजिए, इस बार एक्स एंड वाई पे क्लिक कीजिए और इसका डायमेंशन दीजिए एक्स का, जैसे हम 50 एंटर। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया। अगर हम वाई में इसका 50 देंगे तो देखिए ये मूव हो गया। ओके कीजिए। अब हम देखते हैं कॉपी इंटिटीज। इंटिटी टू कॉपी वाले बॉक्स में क्लिक करें और स्केच को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ भी पैरामीटर्स में दो ऑप्शन हैं, फ्रॉम ऑब्लिक टू और एक्स एंड वाई। पहले हम फ्रॉम ऑब्लिक टू देखते हैं। स्टार्ट पॉइंट वाले बॉक्स में क्लिक करें और आप स्केच के उस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप कॉपी करना चाहते हैं। जैसे हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं और ड्रैग कीजिए और ड्रॉप करने के लिए क्लिक कीजिए। नीचे की तरफ आइए, ड्रॉप कीजिए, ड्रॉप कीजिए। ओके वापस देखते हैं, कॉपी इंटिटीज सेलेक्ट कीजिए। हम सारे स्केच सेलेक्ट करेंगे एक्स एंड वाई, इसका हम 50 mm एंटर और वाई 60 mm एंटर, इसका भी 60 कर लेते हैं। ओके तो देखिए ये कॉपी हो गया। यहाँ से रिलेशन हाइड कर सकते हैं। यह था मूव इंटिटीज और कॉपी इंटिटीज। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।